द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा और इजराइल की जंग थमने का नाम तो नहीं ही ले रही है। दरअसल बीच में कुछ दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया था और इस दौरान दोनों तरफ से कैदियों को रिहा किया जा रहा था, बंधकों को छोड़ा जा रहा था, लेकिन उस बीच भी इजराइल की सेना और इजरायली सेटलर्स जो बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स हैं इजराइल के, इन सब ने फायरिंग जारी ही रखे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सीज फायर जो मोहलत थोड़ी सी दी गई थी, 4 दिनों के सीज फायर के बाद एक सीज फायर के दिन और बढ़ाए गए थे, अब फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं, उसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए और इस गूंज को भी महसूस कीजिए। जंग फिर शुरू हो गई है। तो देख लिया आपने, इस संबंध में अब कई रिपोर्ट सामने आने लगी हैं। टेलीग्राम ग्रुप के मैसेज हो या सोशल मीडिया पर इससे जुड़े फुटेज हो, ट्वीट्स हो, खबरें हो, वो आने लगी हैं कि जंग फिर से शुरू हो गई है। जरा ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, RTE उर्दू, और इसने उर्दू में जो लिखा है उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो लिखा हुआ है, द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास इन गजा हैज रिज्यूम्ड, सेवरल टारगेट्स वेयर हिट इन गजा, हैवी क्लैशेस आर रिपोर्टेड, रॉकेट सायरन्स वेयर हर्ड इन साउदर्न इजराइल। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच गजा में जंग फिर से शुरू हो गई है। बहुत जगह गजा में इजरायली फोर्स ने निशाने लगाए हैं, हमला किया है, बहुत भारी क्लैश रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज अभी आपने देखे हैं, इस वीडियो फुटेज में दावा किया जा रहा है कि रॉकेट की आवाज है जो साउदर्न इजराइल में उड़ान भर रहे हैं और फिर गजा में आकर हमला कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि बवाल अब मचने लगा है। यहां पर मिश्रा अमरेश जो लगातार ऐसे अपडेट ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, चाहे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाते हों लेकिन वो फिर ट्विटर पर इंफॉर्म भी करते हैं, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, वो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि जंग जब दोबारा शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि आपको अपडेट फिर से चाहिए होंगे। क्या गजा में जो शांति कुछ दिनों की हुई थी, और उसमें शांति थी नहीं, बेसिकली कुछ ना कुछ हमले हो ही रहे थे, बावजूद इन सब के थोड़े से राहत की बात तो थी कि लोग सुकून में थे कि चलो कहीं अगले पल मौत इंतजार तो नहीं करेगी ना, लेकिन अब फिर से वही स्थिति हो गई है। अब यहां पर कुछ स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं जो मिश्रा अमरीश ने शेयर किए हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा गया है, फिलिस्तीनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई ओवर गजा एंड इट्स व्हीकल्स ओपन फायर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द स्ट्रिप, इंफॉर्मेशन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नेशनल सिक्योरिटी, फ्राइडे December 1, 2023 7 बजे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट हैं वो गजा पर मंडराने लगे हैं, फ्लाई करने लगे हैं, और उनकी जो सैन्य गाड़ियां हैं वो ओपन फायर कर रही हैं। कहां पर? गजा पट्टी के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर। इसमें जो इंफॉर्मेशन आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नेशनल सिक्योरिटी से आया है, 1 दिसंबर की ही रिपोर्ट है, यानी आज की ही रिपोर्ट है। अब देखिए आगे खबर क्या है, इंटेंस Armed clashes have renewed between resistance fighters and Zionist forces in the northern Gaza Strip. यहां बताया जा रहा है कि एक मजबूत भिड़ंत हुई है। कहां पर? वैसे गाजा स्ट्रिप के उत्तरी इलाके में, जहां पर हमास के लड़ाके और इजरायली सेना भिड़ गए हैं। आगे लिखा जा रहा है, ऑक्यूपेशन आर्टिलरी एंड ड्रोन स्ट्राइक्स आर टारगेटिंग खुजास, एब्सान एंड खान यूनिस इन सेंट्रल एंड साउदर्न एरिया ऑफ द गाजा स्ट्रिप। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ड्रोन से हमला हो रहा है
उसमें खुजा का क्षेत्र है, अब शान है खान यूनिस के इलाके में, खास करके सेंट्रल और दक्षिणी क्षेत्र पर जो गाजा पट्टी का है वहां पर हमला किया जा रहा है, यानी कि जंग फिर से शुरू हो गई है। इसमें जो आखिरी मैसेज है वो भी देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन ब्रेक होते हैं और फिर दुनिया के सामने रखे जाते हैं कि चल क्या रहा है। लिखा गया है IOF वॉर प्लेन्स बॉम्ब्ड इन एरिया इन नॉर्दर्न गाजा एंड IOF आर्टिलरी सेलिंग इज टारगेटिंग एरियाज इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप, यानी कि लगातार बमबारी की जा रही है, हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर में यह भी लिखा गया ऑक्यूपेशन ऑथोरिटीज है reimposed restrictions placed on settlers in the Gaza envelope and the Lebanon-Palestine border as the temporary truce appears to be reaching an end. जैसे ही ये जो truce हुआ था, समझौते हुए थे कि चलिए शांति रहेगी, सीजफायर रहेगा, लोग आने जाने लगेंगे, लेकिन अब फिर से restrictions लगा दिए गए हैं, अब settlers के लिए मुश्किल की स्थिति हो जाएगी। और इसी को दोनों स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए मिश्रा अमरीश ने लिखा भी है, ब्रेकिंग द वॉर रिज्यूम इन गाजा, इसराइल ने अस्थायी युद्ध विराम अपनी तरफ से तोड़ा, इजरायली एयरफोर्स फिर से उड़ानें भर रही हैं, उत्तरी गाजा में हमास और IDF के बीच जबरदस्त जंग हो रही है, IDF टैंकों ने खुजाज अबसान खान यूनिस पर बमबारी की, लेबनान बॉर्डर पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं। मतलब अब फिर से आप एक और बड़ी जंग का एक दृश्य देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। जो मैप भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और जो हमले के बाद स्थिति बन रही है, वही धुएं के गुबार, वही गड़गड़ाहट, वो सारी तस्वीरें स्क्रीनशॉट सामने आने लगे हैं। एक मैप देखिए आप, आर्या नाम के ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है और इसमें उस एरिया को हाईलाइट करके बताया गया है कि कहां कहां ये हमला चल रहा है। नीर एम सेडेरट जो ये सब जगह है, इन सब जगहों पे बताया जा रहा है कि अटैक किया गया है और यहां से ही प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स उड़ाने भरने शुरू कर चुकी हैं और बॉम्बिंग भी शुरू कर दी गई है। देखिए बॉम्बिंग के बाद जो एक अगली तस्वीर है आर्या ने शेयर की है, उसमें भी आप धुएं के गुबार देख सकते हैं, तबाही के बाद ऐसे ही दृश्य पैदा होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीज फायर इज ओवर, रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग, इजरायली वॉर प्लेन्स हैव स्टार्टेड बॉम्बिंग साउदर्न गाजा स्ट्रिप राफा, हमास लॉन्च्ड रॉकेट्स टुवर्ड्स द गाजा एनवेलप, जो सेडेरट का क्षेत्र है, ये इजराइल का इलाका होता है, वहां पर हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इजरायली वॉर प्लेन ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है दक्षिणी गाजा पे, जो राफा बॉर्डर है जो सीधे इजिप्ट से जुड़ता है और वहां लोग शरणार्थी बन जाते हैं इजिप्ट में जाकर, उस बॉर्डर पर भी हमले शुरू हो गए हैं और हमास ने भी जवाबी कार्रवाई में रॉकेट दागने शुरू किए हैं। मतलब जंग ऐसी परिस्थिति में है, अब फिर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि तबाही कितनी बड़ी हो जाएगी। आखिरी एक विजुअल्स है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, भागम भाग शुरू है क्योंकि इजराइल ने जो खान यूनिस में हमला किया उसके बाद फिर वहां पर मलबों का ढेर है, लाशें निकाले जाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। सुलेमान अहमद ने इस विजुअल को शेयर किया है, आप भी जरा अपनी स्क्रीन पर इस विजुअल को देखिए कि कैसी तबाही मची है और यहाँ भी लोग अपने परिजनों के सब ढूंढ रहे हैं और जो घायल हैं उन्हें लेकर अस्पताल की तरफ भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसमें लिखा गया है ब्रेकिंग द मोमेंट्स इमिडिएटली आफ्टर इजराइल बॉम्ब्ड अ होम इन खान यूनिस गाजा, यानी कि गाजा में एक घर पर ही सीधे तौर पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, कत्ल कर दिए गए हैं, इजरायलियों ने फिर से अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। देखिए इस जंग में ठहराव कब होता है या फिर यही सिलसिला चालू रहेगा, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक जंग की बात देखी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।